हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक नादन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ प्लस वन अकाउंटेंसी। और आज के लेक्चर में हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का पांचवा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में हम क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव नेचर होते क्या हैं? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव नेचर में हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव नेचर में हम इस बात की स्टडी करेंगे कि अकाउंट्स के अंदर हम किन बातों को इंक्लूड करें जिससे हम एक बेटर अकाउंट प्रिपेयर कर सकें, कि एक बेटर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। इन बातों को हम क्वालिटेटिव नेचर के अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि किन किन स्टेप्स को हम ध्यान में रख के हम अपने अकाउंट को बेटर बना सकते हैं। और ये मुख्य रूप से चार बातें होती हैं जिनको हम अकाउंट को प्रिपेयर करते समय हमने को क्या ध्यान में रखना होगा। और इन चार पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम अपने अकाउंट्स को एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज रिलायबिलिटी। सेकंड पॉइंट है, दैट इज रेलिवेंस। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। और फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। इन चार पॉइंट्स को हम अकाउंट्स के अंदर फॉलो करके हम अकाउंट को क्या कर सकते हैं? बेटर बना सकते हैं। अब हम इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये चारों पॉइंट्स होते क्या हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है, रेलिवेंस क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है और कंपेरेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। कि जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट को प्रिपेयर करे, जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट को क्या करे? प्रिपेयर करे, तो वो अपने अकाउंट को इस तरीके से प्रिपेयर करे ताकि उस अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट पर्सन क्या करें? ट्रस्ट करें, रिलायबल करें। कि जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट को क्या कर रहा हो? प्रिपेयर कर रहा हो। वो अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते समय उन सब बातों को वो ध्यान में रखे जिससे उसके अकाउंट रिलायबल बने, ट्रस्टवर्दी बने, विश्वास योग्य बने। अब उसके जो ये अकाउंट हैं वो ट्रस्टेबल कैसे होंगे, इस बारे में भी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो क्वालिटेटिव नेचर का जो फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया कि अकाउंट के दो प्रकार के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में कौन कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं। और एक्सटर्नल में बैंक है, क्रेडिटर है और उस इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। तो जितने भी यूजर्स होते हैं अकाउंट के, चाहे वो इंटरनल यूजर हों चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हों, वो फर्म के अकाउंट पे क्या करें? ट्रस्ट करें। अगर जो अकाउंट्स के यूजर होते हैं वो फर्म के अकाउंट पे ट्रस्ट नहीं करते तो ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अकाउंट को प्रिपेयर करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि जो हमारे अकाउंट हैं उन अकाउंट्स के ऊपर इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर दोनों क्या करें? ट्रस्ट करें। अब हमारे जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल बनेंगे कैसे, ट्रस्टवर्दी बनेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले अपने को इस बात का ध्यान में रखना होगा कि हम अपने अकाउंट्स के अंदर किसी भी प्रकार का एरर ना करें, तब हमारे अकाउंट रिलायबल बन सकते हैं। कि अगर हम अपने अकाउंट में प्रिपेयर करते समय एरर नहीं करते, गलतियां नहीं करते, तब हमारे अकाउंट्स क्या होंगे? रिलायबल होंगे। तो अकाउंट को प्रिपेयर करते समय अपने को किसी भी प्रकार का एरर नहीं करना, गलतियां नहीं करनी अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते समय, जिससे हमारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे, रिलायबल हो जाएंगे। गलतियां नहीं करनी अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते समय। और ट्रस्टवर्दी को फॉलो करने के लिए जो और पॉइंट हो सकता है कि हमारे अकाउंट रिलायबल बनेंगे कैसे, उसके लिए अपने अकाउंट
अकॉर्डिंग टू रूल प्रिपेयर करें हम। हम जितने अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल जजमेंट, अपनी मनमर्जी से खाते प्रिपेयर ना करे, अकाउंट प्रिपेयर ना करे। जब वो अपने फर्म के अकाउंट प्रिपेयर करे तो रूल्स को फॉलो करे। वो बिजनेसमैन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय अपनी मनमर्जी नहीं करनी, उसको पर्सनल जजमेंट नहीं करनी। जो अकाउंट्स के रूल्स होते हैं उन्हीं के बेस पे वो अपने अकाउंट्स को क्या करे, प्रिपेयर करे। तो रिलायबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपने को कुछ फैक्ट्स तक ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि एरर नहीं करना, रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद रिलायबिलिटी का और क्या पॉइंट हो सकता है, फुल डिस्क्लोजर, फुल डिटेल। अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिटेल फुल पूरी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का लेस डिटेल ना हो, वो पूरे तरीके से क्लियर डिस्क्राइब होने चाहिए। उससे हमारे अकाउंट्स क्या बन सकते हैं, रिलायबल। तो अकाउंट्स को बेटर बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, कि जितने भी हमारे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं उन अकाउंट्स पे डिफरेंट यूजर्स, चाहे वो कोई भी यूजर्स हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ओनर हो, सभी उसके ऊपर ट्रस्ट करें। अब ट्रस्ट करने के लिए हम अपने अकाउंट्स में एरर नहीं करनी है, अपने को अकॉर्डिंग टू रूल अपने को क्या करने है, उसको प्रिपेयर करने हैं और उसके अंदर पूरी डिटेल अपने को इंक्लूड करनी है, जिससे हम अपने अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, रिलायबल बना सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और दैट इज रेलिवेंस। क्वालिटी नेचर का जो सेकंड पॉइंट है वो रेलिवेंस है। रेलिवेंस का मतलब होता है इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कि जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा है, उस अकाउंट्स के अंदर सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन्स को इंक्लूड करें जो यूजर्स के लिए ज़रूरी होती है। रेलिवेंस का मतलब क्या है, इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अकाउंट, इन अकाउंट। कि जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है तो उन अकाउंट्स के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन्स हैं जो एक यूजर को चाहिए, वो सभी इन्फॉर्मेशन उन अकाउंट्स के अंदर क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि यूजर्स को उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो अपना क्या ले सके, डिसीजन ले सके। वो जैसे कि हमने फर्स्ट मंथ में भी पढ़ा, कई प्रकार के यूजर होते हैं, बैंक है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, तो ये सभी यूजर्स हैं। तो रेलिवेंस के अंदर क्या होता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन्स होती हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो सभी अकाउंट्स के अंदर क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि एक यूजर्स उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सके। अगर एक बिजनेस में जो यूजर्स होते हैं वो अकाउंट्स के बेस पे, जो यूजर्स होते हैं वो अकाउंट के बेस पे अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हम ऐसे अकाउंट्स को बेटर अकाउंट नहीं बोल सकते। तो रेलिवेंस अकाउंट्स होने चाहिए, वो क्वालिटेटिव नेचर का हमारा कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, कि एक अकाउंट्स के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस की, सारी इंक्लूड हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम इंक्लूड करके हम यूजर्स को हेल्प कर सकते हैं उनके डिसीजन में। ये हमारा क्वालिटेटिव नेचर का कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है। तो क्वालिटेटिव नेचर के अभी तक हमने दो पॉइंट स्टडी किए हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा था रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, कि जितने भी यूजर्स होते हैं वो हमारे अकाउंट में क्या करें, ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करने के लिए हमारे अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का एरर ना हो, रूल्स के अकॉर्डिंग चले हम, और फुल डिस्क्लोजर्स के साथ हम अपने अकाउंट को क्या करें, प्रिपेयर करें। सेकेंड पॉइंट है रेलिवेंस। रेलिवेंस में क्या होता है कि हम अपने अकाउंट में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम इंक्लूड करें। क्यों करें, ताकि यूजर्स को हेल्प मिले
किस चीज़ में हेल्प मिले, डिसीजन लेने में। इन्वेस्टर को डिसीजन लेने होते हैं, क्रेडिटर को भी लेने होते हैं, गवर्नमेंट को भी लेने होते हैं, ओनर्स को भी डिसीजन लेने होते हैं। वो किसके बेस पे लेते हैं, अकाउंट के बेस पे। और अकाउंट में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना जरूरी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट रेलिवेंस भी होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा क्वालिटेटिव नेचर का, अंडरस्टैंडेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्वालिटेटिव नेचर का, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि जब भी हम अपने बिजनेस के अकाउंट प्रिपेयर करें, वो ऐसे प्रिपेयर करें कि उसको डिफरेंट यूजर्स आसानी से समझ सकें। किसी भी यूजर्स को अपन बिजनेस के अकाउंट को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना आए, ऐसे अकाउंट प्रिपेयर करें हम, उस अकाउंट को एवरी यूजर्स कैन बी अंडरस्टैंड इजिली, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, सभी को फर्म के अकाउंट को समझने में आसानी होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से उन अकाउंट को समझें और अपने फ्यूचर का डिसीजन लें। इसलिए हमारे जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, वो अंडरस्टैंडेबिलिटी फैक्टर को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि हमारे को अपने बिजनेस के अकाउंट को समझने में आसानी हो और हम फ्यूचर के डिसीजन भी उससे ले सकें। कोई भी यूजर हो, सभी को उस अकाउंट्स को समझने में क्या होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आसानी से वो समझें और अपने अकाउंट को समझ के वो फ्यूचर के डिसीजन ले सकें। तो क्वालिटेटिव नेचर का जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है तुलनात्मक। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो अपने बिजनेस के हर साल खाते बनाता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस 2010 के अंदर शुरू किया, तो वो 10 के भी खाते बनाएगा, फिर 2010 के बाद 2011 के भी खाते बनाएगा, 2012 के भी खाते बनाएगा, 2013 के भी बनाएगा, ऐसे वो हर साल के खाते बनाएगा। अब वो अपने अकाउंट्स इस तरीके से प्रिपेयर करे ताकि दो ईयर्स की कंपैरिजन वो आसानी से कर पाए। कंपैरिजन करना, वो अपने अकाउंट्स को इस प्रकार से प्रिपेयर करे ताकि उसकी कंपैरिजन कैसी हो, इजीली हो सके। उसकी कंपैरिजन कैसी हो, इजीली आसानी से हो सके, और कंपैरिजन करके वो पता लगा सके कि मेरा जो बिजनेस का जो लेवल है, ग्रोथ लेवल है या डिक्लाइन लेवल है, कि मेरा बिजनेस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ में है या डिक्लाइन में गया है, ताकि उस कंपैरिजन के बेस पे वो फ्यूचर की एक्टिविटी को डिसाइड कर सके। जैसे कि उसके ने 2 सालों का कंपैरिजन किया और 2 सालों के कंपैरिजन से उसको पता चला कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो डाउन चल रहा है तो वो फ्यूचर में वो कैसे करे ताकि वो उस डाउन से वो अप में जा सके, तो उसके लिए उसको फ्यूचर के डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहले कंपैरिजन किया, अगर कंपैरिजन ना करता क्या उसको पता चलता क्या वो डाउन में जा रहा है, इसलिए पहले वो उसने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन से ही उसको पता चला कि मेरा बिजनेस कैसे जा रहा है, डाउन में जा रहा है, और डाउन में जा रहा है तो फ्यूचर में वो इस तरीके से प्लानिंग करेगा ताकि वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ में लेके आ सके। अगर वो कंपैरिजन ना करता तो उसको कंक्लूजन का ना पता चलता, कंक्लूजन का ना पता चलता तो वो फ्यूचर की एक्टिविटी कैसे डिसाइड करता। तो कंपैटिबिलिटी का पॉइंट भी अपने को अपने अकाउंट्स के अंदर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, कंपैरिबल होना चाहिए अकाउंट्स, कि हम अपने बिजनेस के डिफरेंट ईयर्स के अकाउंट के क्या कर सके, तुलना कर सके। और इसका एक दूसरा पॉइंट है कि हम अपने बिजनेस की जो कंपैरिजन है दूसरे बिजनेस के साथ भी कर सकें, अपने अकाउंट्स के साथ तो करें ही करें और दूसरे बिजनेस के साथ भी अपने बिजनेस की क्या करें, कंपैरिजन करें, क्योंकि मार्केट में हम अकेले बिजनेस नहीं कर रहे, हमारे अनेक प्रकार के कंपिटिटर भी होते हैं मार्केट के अंदर। तो हमारा बिजनेस कंपिटिटर के कंपैरिजन में कैसा है, इसके पर ही कंपैरिजन करना होगा अपने को। तो ऐसे हमारे बिजनेस के अकाउंट प्रिपेयर हों कि हम दूसरे कंपिटिटर बिजनेस के साथ भी अपना कंपैरिजन कर सकें। तो कंपैरिजन में हमने अपने बिजनेस के प्रीवियस ईयर के डाटा से भी कंपैरिजन करना है और दूसरा कंपिटिटर के साथ भी अपना कंपैरिजन करना होता है।
तो क्वालिटेटिव नेचर के इन चारों पॉइंट को हम अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड करके हम अपने अकाउंट को क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी। सेकंड पॉइंट है रेलिवेंस, इंक्लूड ऑल इन्फॉर्मेशन इन अकाउंट। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आना। और फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी, का मतलब होता है कंपेरिजन करना। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना स्टडी करेंगे और कल के लेक्चर में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।